बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को लेकर खबरें आ रही है। वेल, कौन होस्ट करने वाला है, क्या है पूरी खबर, इससे रिलेटेड चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेल, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, वेल इस सीजन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है फैंस में। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब सीजन 1 ब्लॉकबस्टर गया था, फैंस ने बेहद पसंद किया था। दिव्या अग्रवाल सीजन 1 की विनर रही थी। वहीं इस सीजन को, यानी कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 को होस्ट किया था करण जौहर ने, लेकिन इस बार खबरें ये है कि करण जौहर जो है वो होस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉफी विद करण में व्यस्त रहेंगे। इसके चलते जो है वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 होस्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेकर्स ने होस्ट के लिए किस किस को अप्रोच किया है। तो दरअसल सबसे पहले तो करण जौहर को अप्रोच किया गया है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए। वेल, इसके बाद में फराह खान को भी अप्रोच किया गया है। वेल, इसके बाद खबरें आ रही है कि सलमान खान को भी अप्रोच किया गया है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि भाईजान कभी भी ओटीटी जो है वो होस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस बार क्या वो होस्ट कर सकते हैं, वेल हाल फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है। वही मैं आपको बता दूं कि एक और ऐसे कपल को अप्रोच किया गया है जो कि इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं और जो कि बिग बॉस 15 में भी नजर आए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तेजरन के बारे में। तो तेजस्वी प्रकाश करण को भी अप्रोच किया गया है होस्टिंग के लिए। जी हाँ, तो दरअसल मैं आपको ये भी बता दूं कि हीना खान को भी अप्रोच किया गया है, लेकिन हाल फिलहाल इनमें से किसी को भी लेकर कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है कि आखिर में बिग बॉस कौन होस्ट करेगा, यानी कि बिग बॉस ओटीटी कौन होस्ट करेगा। पर मैं आपको बता दूं कि कई सारे नाम जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए, लेकिन हाल फिलहाल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि होस्टिंग कौन करता है और कौन कौन बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए कॉन्टेस्टेंट बनता है। वेल, क्या है आपके रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। आप किसे देखना चाहते हैं जरूर बताइए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।